Now, problem 14. A convex lens forms image of an object on a fixed screen 20 cm from the lens. एक convex lens है, ठीक है? पहले मैं आपको diagram दिखा दूँ, हाँ, सही है? तो ये convex lens है, जो image form कर रहा है on a fixed screen 20 cm from the lens, सही है? तो simple है, बहुत के भाई एक 20 cm है lens से, उसपे एक image form कर रहा है. अब ऑन मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अब इसको ऑब्जेक्ट के 60 सेंटीमीटर टुवर्ड्स मूव करा दिया लेंस को, ठीक है? पहले ये देखें, ये लेंस है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर फास्टर था स्क्रीन से, अब इसको हम यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने इसको मूव करा दिया इधर 60 सेंटीमीटर, ठीक है? 60 सेंटीमीटर मूव करा दिया ना, पहले ये पी था, अब पी माइनस 60 हो जाएगा, इसलिए ये पी माइनस 60 हो गया, ठीक है? 60 सेंटीमीटर उल्टा आता है, हमने उसको मूव करा दिया. तो इमेज अगेन फॉर्म है स्क्रीन पे, लेकिन अब हमसे ये सवाल में पूछ रहे हैं कि भाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या है. नाउ टेल अस व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो हम चलते हैं नेक्स्ट, उसमें फिर देखते हैं कि इसकी फोकल लेंथ क्या है. नाउ डेटा क्यू इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, एस इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, ठीक है, जो डिस्टेंस था, और एफ आपका फोकल लेंथ हमें निकालना है, सही है? 20 सेंटीमीटर पहले इमेज फॉर्म हो रही थी, पहले फिर एस 60 सेंटीमीटर, एफ हमें फोकल लेंथ निकालना है. सोल्यूशन है 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू. 1 ओवर एफ इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू. क्यू 20 है, हमें पी भी नहीं पता अभी, और हमें फोकल लेंथ भी नहीं पता है, ठीक है? पहले भी पी नहीं पता था कि कितने डिस्टेंस से पहले भी रखा था, हमें दोनों चीजें नहीं पता है अभी, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि ऑन मूविंग द लेंस 60 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, यानी अब हम लेंस को 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट के करीब मूव करते हैं, तो पी प्राइम क्या हो गया, पी माइनस 60, ठीक है? वो हमने पीछे भी डायग्राम में खुद देखा, पी माइनस 60 हो गया पी प्राइम नया, जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. क्यू प्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना 60 उधर गया तो उतनी इमेज में भी तो फर्क आ रहा है, ठीक है? समझ, इस बहुत इजी है ये, कि अगर लेंस पहले यहाँ था, यहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, और ये था क्यू, ठीक है, सॉरी ये इमेज फॉर्म हो रही है, अब लेंस यहाँ आ गया फर्स्ट करें, ठीक है, और ये क्यू प्लस 60 हमने मतलब 60 इधर मूव करा दिया, ठीक है, तो कितना हो गया, क्यू प्लस 60 होगा ना, इसी तरह ये है, तो क्यू प्राइम क्या हो गया, 20 प्लस 60 80, क्यू क्योंकि 20 है तो इसलिए 80 हो गया. नाउ वही फॉर्मूला, 1 ओवर एफ फोकल लेंथ इज सेम, 1 ओवर पी प्राइम प्लस 1 ओवर क्यू प्राइम, 1 ओवर पी प्राइम में 1 पी माइनस 60, और क्यू प्राइम में हमने 80 सेंटीमीटर डाल दिया सिंपली. अब हम कर रहे हैं कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, यानी 1 ओवर एफ को और 1 ओवर एफ दोनों का कंपेयर करेंगे, इससे हमारे पास पी आ जाएगा पहले, ठीक है? पी आ जाएगा तो पहले एफ भी आ जाएगा आसानी से. तो 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर 20 इक्वल्स टू 1 ओवर पी माइनस 60 प्लस 1 ओवर 80, ठीक है? तो 1 ओवर 20 माइनस 1 ओवर 80 इक्वल्स टू 1 ओवर पी माइनस 60 माइनस 1 ओवर पी, ठीक है? ये आपका बन गया 4 माइनस 1 ओवर 80 इक्वल्स टू पी माइनस 60 अपॉन पी माइनस 60, ठीक है? हमने इसको एलसीएम लिया ना, ये बहुत आसान है, देखें P, अब इसमें एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो इसलिए सिंपली मल्टीप्लाई कर दें दोनों के डिनोमिनेटर्स को, ठीक है? तो P कर दिया, सही है? अब P माइनस 60 पी जा, अगर यहाँ से P से मल्टीप्लाई करेंगे P माइनस 60 को, तो P माइनस 60 P बनेगा, इसलिए 1 पी जा P आ गया, और यहाँ पे आएगा P माइनस 60, सही है? तो अब हमने ये कर लिया, उसके बाद उसको सॉल्व करा हमने, पी माइनस पी माइनस माइनस प्लस 60 हो गया, ठीक है? P माइनस 60 पी एज इट इज रहा, सही है? और 4 माइनस 1 इज 3 एंड 3 अपॉन 80, तो P माइनस 60 P उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 P माइनस 60 इंटू P बना, और 80 P माइनस P प्लस 60, P से P कैंसिल हो गया, और 60 मल्टीप्लाई बाई 80 कम्स आउट टू बी 4800, 6 8 48 डबल 0 ऐसे आया, तो 4800 3 पी स्क्वायर. अच्छा, अब इस 3 को उठा के ये लोग नीचे लिया है 4800 के, ठीक है? तो पी स्क्वायर माइनस 60 पी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया पी को इन दोनों के साथ, 4800 डिवाइड बाई 3 क्या होता है, 1600, सही है? पी स्क्वायर माइनस 60 पी एज इट इज रहा, एंड पी स्क्वायर माइनस 60 पी माइनस 1600 उधर लेके गए, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसको हमने ब्रेक करना है, ठीक है? ब्रेक कर रही है मिडिल थ्योरम से, या आप उसको सिंपल कैलकुलेटर में भी क्वाड्रेटिक रख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? तो पी स्क्वायर माइनस 80 पी प्लस 20 पी इज माइनस 60 पी, सही है? पता है कि, और इसका माइनस 1600. अब हम इसको कॉमन लेंगे, तो पी पी माइनस 80 कॉमन लिया, पी कॉमन लिया, इसमें से पी बाहर आया, और इसमें से 80 पी में से पी बाहर आया, तो 80 बचा.
अब इसमें से हमने 20 कॉमन लिया क्योंकि हमें अब जो यहाँ p माइनस 80 है यहाँ भी p माइनस 80 लाना है, तो उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे p 20 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि सिर्फ p बचे अंदर, तो p बचा अंदर, और यहाँ से 1600 में से 20 कॉमन लिया तो 80 बचा, ठीक है। तो p माइनस 80, अब इस पूरे दोनों टर्म में से एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, दोनों टर्म में से p माइनस 80 कॉमन लेंगे, तो p माइनस 80 कॉमन लिया तो p प्लस 20 बचा सिर्फ, सही है। तो p माइनस 80, p प्लस 20, अब p माइनस 80 इक्वल टू 0 अलग कर दिया क्योंकि दोनों 0 के बराबर है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और p प्लस 20 भी 0 के बराबर, ठीक है। ये p प्लस होगा, ठीक है, माइनस गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। तो p प्लस 20, अब p माइनस 80, p उधर जाके 80 हो गया, p प्लस 20 उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। ये इस तरह क्वाड्रेटिक सॉल्व होती है, आप लोगों ने अपने मैथमेटिक्स में भी सॉल्व की होगी, बहुत सिंपल है। नेगेटिव वैल्यू ऑफ पी इज रिजेक्टेड, पी की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे हम, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। अब इस चीज को 80 को हम उठा के इक्वेशन 1 में डालेंगे और हम उससे फोकल लेंथ निकालेंगे, तो 1 ओवर 80 प्लस 1 ओवर 20 व्हिच कम्स आउट टू बी 1 प्लस 4 ओवर 80, ठीक है। एलसीएम सॉल्व किया है सिंपली, 1 ओवर एफ इक्वल्स टू 5 ओवर 80, इसका फिर हम रेसिप्रोकल करेंगे 80 ओवर 5, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो आपका ये बस आंसर हो गया फाइनल। नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस बुक एज वेल, टू कन्वर्जिंग लेंसेज आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। दो कन्वर्जिंग लेंसेज हैं जो 25 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, फोकल लेंथ ऑफ ईच इज 10 सेंटीमीटर, दोनों लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ वन लेंस एट 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का क्या रखा हुआ है डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल इमेज, ठीक है। ये एक लेंस है L1, ठीक है, ये लेंस है L2, सही है। दोनों का फासला कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी Q1 प्लस P2 कितना है भाई 25, ठीक है। और फोकल लेंथ दोनों की 10 है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक पे 50 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी यहाँ P1 जो हो गया ये आपका कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। अब हमें ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस निकालें ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज पे, ठीक है, यानी यहां से लेके, मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस टोटल, इसको हम सपोज एस कह देते हैं, ठीक है, लेट सपोज इट्स एस, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा। नाउ डेटा हमने सबसे पहले बना लिया, एल आपका 25 सेंटीमीटर था, दोनों लेंस के बीच का फासला, फोकल लेंथ दोनों की 10-10 सेंटीमीटर थी, P1 आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले लेंस से, ठीक है, वो 50 सेंटीमीटर है, एस हमें निकालना है, ठीक है। हमने सपोज किया टोटल ऑब्जेक्ट बिटवीन इमेज का डिस्टेंस, सॉल्यूशन क्या है, फॉर फर्स्ट लेंस 1 ओवर F1 इक्वल्स टू 1 ओवर P1 प्लस 1 ओवर Q1, 1 ओवर 10 इक्वल्स टू 1 ओवर 50, सीधा सीधा डेटा सब्सटीट्यूट करना है, जो आपका फॉर्मूला है पहले लेंस के लिए, ठीक है, उसमें डेटा सब्सटीट्यूट करना है, आपका Q1 आ जाएगा, सही है। 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 50, 1 ओवर Q1, एलसीएम लिया 50, ये 5-1 आया, कैसे एलसीएम लिया ये मैं आपको बता चुका हूँ बहुत दफा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 50/4, रेसिप्रोकल करने के बाद 50/4 को डिवाइड किया, कम्स आउट टू बी 12.5 सेंटीमीटर, हमारे पास यहाँ से आ गई इमेज ऑफ द फर्स्ट लेंस, ठीक है, जो फर्स्ट लेंस इमेज क्रिएट कर रहा है। अब सेकेंड लेंस पर चलते हैं, सेकेंड लेंस क्या कर रहा है भाई, 1 ओवर F2 इक्वल टू 1 ओवर P2 प्लस 1 ओवर Q2, यही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला, लेकिन L हमें पता है Q1 प्लस P2 है, और L मैंने अभी पिछली आपको इमेज में जो इमेज दिखाई थी पीछे, सॉरी इमेज बार बार इमेज चढ़ रहा है नाम, अब तस्वीर दिखाई थी, पिक्चर दिखाई थी, उसमें L 25 था, ठीक है, Q1 प्लस P2 का सम, तो Q1 है, L है, तो P2 निकल आएगा, 12.5 आके आ गया आपका, और जो दूसरे लेंस के लिए आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ। अब हमें निकालना है इमेज Q2 का डिस्टेंस, ठीक है, फॉर्म बाय द सेकेंड लेंस, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1 ओवर 10 माइनस 1 ओवर 12.5 1 ओवर Q2, 1 ओवर Q2 इक्वल टू 1 ओवर 10 माइनस 10 ओवर 125, इसको क्या किया इन्होंने 12.5 है ना, तो उसको 125 बनाया था, ठीक है, 125 बनाया, तो अब पॉइंट हटाते हैं ना, आगे लेके जाते हैं, तो 10 आपका हमेशा फंक्शन में डालते हैं अपॉन में, अब इसके अपॉन 10 आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अगर कोई फंक्शन होता है इस तरह लिखा होता है 10, ठीक है, और अपॉन 4, और 4 के नीचे फर्ज करें अगर यहाँ 5 लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब सीधा ये है कि 10 अपॉन 4 और मल्टीप्लाई पर ऊपर 5 चला जाएगा। इसी तरह 12.5 जब हटाया था तो ये बेसिकली बना था यूं, 12.5 हटाया, अगर पॉइंट हटाया यहाँ से तो नीचे 10 आया, तो 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए 10 ओवर 125 बन गया ये डायरेक्ट। खैर इसको सॉल्व किया, 1 ओवर Q2 25 माइनस 22 50 एलसीएम ले दिला के,
1 over Q2 comes out to be 5 over 250, 25 minus 25 upon 250, इसको reciprocal करेंगे तो 250 upon 5 बन जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें S निकालना है, तो S क्या था, देखें ये दो लेंस थे, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट करें, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया P1, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस हो गया L, और ये यहाँ पे जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, ये हो गया आपका Q2, तो P1 प्लस L और प्लस ये आपका Q2, ठीक है, Q2, तो ये ऐड होकर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 50 प्लस 25 प्लस 50, एंड द टोटल डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस वॉज द लास्ट न्यूमेरिकल, एंड हियर वी एंड हैव वी हैव एंडेड द बुक 11, सॉरी बुक ऑफ क्लास 11 फिजिक्स। थैंक यू।